बन्सी महाराज राधानंद सेवाभावी संस्था, श्री गुरुकृपा सत्संग मंडळ आणि समस्त जोशी परिवारातर्फे क्रीडा महर्षी दिनुभाऊ कुलकर्णी क्रीडांगणावर विराट श्रीमद भागवत कथा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलंय. यावेळी कृष्णजन्माचा सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झालाय. अष्टमी तिथी, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, वार बुधवार, मध्यरात्र अशा सर्वानुकूल समयी शंख, चक्र, पद्म, गदाधारी नंदनंदन गोपालकृष्ण कंसराजाच्या कारागृहात माता देवकीच्या उदरातून भूदेवी अर्थात माता पृथ्वीवर अवतरित झाले आणि क्रीडा महर्षी दिनुभाऊ कुलकर्णी क्रीडांगणावर गोपाल भगवान श्रीकृष्ण की जय, नंदनंदन की जय, वासुदेव देवकी नंदन की जय, हाती घोडा पालखी, जय कन्हैया लालकी अशा जयघोषात भागवत कथेच्या नायकाचा जन्मोत्सव सोहळा भाविकांच्या अलोट गर्दीत मोठ्या जल्लोषात साजरा झालाय. बन्सी महाराज राधानंद सेवाभावी संस्था, श्री गुरुकृपा सत्संग मंडळ आणि समस्त जोशी परिवारातर्फे क्रीडा महर्षी दिनुभाऊ कुलकर्णी क्रीडांगणावर विराट श्रीमद भागवत कथा महोत्सवाचं आयोजन केलं गेलं आहे. बन्सी महाराज मिठाईवाले परिवारातर्फे नंदलाल जोशी आयोजित भागवत कथेच्या व्यासपीठावर डोंगरगण ज्ञानेश योग आश्रम रामेश्वर संस्थानचे पुंडलिक शास्त्री जंगले महाराज, हरिभक्त परायण गोविंद महाराज जाडदेवळेकर पाथर्डी आपल्या परिवार आणि शिष्यगणांसह, तसेच हरिभक्त परायण वेताळ महाराज, हरिभक्त परायण देशमुख महाराज मिरीकर उपस्थित होते. भागवत कथेच्या चौथ्या दिवशी कृष्ण जन्मोत्सव साजरा करण्यात येणार असल्यानं कथा मंडपात प्रचंड उत्साहाचं वातावरण होतं. बाल गोपाल गोपालकृष्णाच्या तर माता महिला तरुणी गोपिकेच्या आणि पुरुषवर्ग गोपाच्या रूपात सज्ज होता. ही सज्जता पाहून भागवत कथाकार हरिभक्त परायण गोवस्त राधाकृष्ण महाराजांनीही भागवत कथेचा आधारच कृष्ण जन्मोत्सव असल्याचं सांगितलंय. उधर अमृत पिला है इधर कोई तो भगवान मोहिनी देख के उनको तो बेचारा ऐसे ही रह जाए. किसी ने आके राजा बनी से कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, देखिए ना वो स्त्री कब से देवताओं को अमृत पिलाई जा रही, हमने से एक भी असुर को अमृत नहीं पिलाया, उन्हीं को पिलाई जा रही, ये ठीक नहीं हो रहा है, आप जरा इसका विरोध तो करो. राजा बलि ने कहा, समझ तो मुझे भी रहा है कि ठीक नहीं हो रहा, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा टोकने का, जो करे तो करने. राजा बलि कहता, ठीक तो मुझे भी रहा कि सही नहीं हो रहा है, लेकिन टोकने का मन नहीं करा, कौन स्त्रियों से माथा लगाए, तू बस देखता जाए, जो करे सो अच्छा है, बस कर ले. महाराज एक राक्षस ने सोचा कि ये राजा बलि का तो न जाने क्या हो गया है, मुझे तो कम से कम अमृत के लिए उद्योग करना पड़ेगा. सो राजा वो एक राक्षस जाके सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया, उसने अमृत पान जब किया तब जाकर के पोल खुली कि ये तो भगवान का. तब तक महाराज देवता अमृत पी चुके थे और राक्षस स्वरूप अमृत पी चुके थे. कृपानाथ फिर उस राक्षस का मस्तक काट दिया भगवान ने प्रभु, फिर देवासुर संग्राम हुआ, फिर देवता जीत गए,
फिर देवता सावधान हुए तो फिर राक्षस जीत गए, फिर राजा बलि का आधिपत्य हो गया, फिर देवताओं की माता अदिति ने तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी वामन बन करके पधारे। बोलिए वामन भगवान। और वामन बन करके भगवान ने राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंच करके 3 पग भूमि दान का एक बहाना करके और देवताओं का भी कार्य सिद्ध किया। ठाकुर जी ने देवताओं का भी कार्य सिद्ध किया और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के साथ साथ राजा बलि के ऊपर भी ठाकुर जी ने अनुग्रह किया, ऐसा ठाकुर जी का मंगलमय स्वभाव। जिस प्रकार भगवान ने वामन अवतार में वामन से विशाल हुए, ऐसे ही राजर्षि सत्यव्रत मनु के ऊपर कृपा करते हुए ठाकुर जी मत्स्य अवतार में विशाल हुए। नारायण इसके बाद वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन करते जिसमें श्री दशरथ जी श्री माँ कौशल्या भोजन करने भोजन करत बुलावे, माता नहीं आवत तजी बाल समाजा। भगवान आते नहीं थे, क्यों नहीं आते थे? श्री राम जी अयोध्या के अपने दोस्तों का अपने मित्रों का घर देखते कि मेरे मित्र तो कितना साधारण सा भोजन करते हैं और मैं अपने घर जाके हलवा मालपुआ कैसे खाऊं। तो फिर माँ कहती थी, माँ कई बार आवाज देती, आओ आओ राम नहीं आते। जब माँ कहती राम अपने सब मित्रों के सहित आओ, तब राम जी हंसते हंसते सब दोस्तों को लेके आते, सबको बिठा के खिलाते। राम बचपन से राम है मेरे, राम बचपन से। कृपानाथ कभी अपने दोस्तों के बीच में ये हैकड़ी नहीं बताते कि मैं राजा का बेटा हूं, एकदम मित्रों के साथ मित्र बन के रहते। मेरे भाई में छोटी मोटी उपलब्धि हो तो महाराज कहो, अपनों के बीच में ज्यादा गरजते। लेकिन राम जी तो राम जी है। कृपानाथ प्राणनाथ क्या कहे, त्रेतायां वर्तमानायां कालकृत समो भवतु रामे राजनि धर्म के सर्वभूत सुखां। वन का क्रम करके जब राम जी राजा बने हैं, तब था तो त्रेता युग लेकिन लगता था सतयुग हो। और ऐसे ही उनकी अर्धांगिनी श्री जानकी जी प्रेमणा प्रत्याशीले न प्रशया वनता सती दिया वहिया च भावज्ञा भरतुं सीता हरं मन। प्रेम से, सेवा से, शील से, विनय से, अपनी बुद्धि से। प्रतिनिधि शुभम पाचारने, ब्यूरो रिपोर्ट, अहमदनगर।